बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। जिला बिजनौर के रहने वाले लड़के हवाई जहाज में सऊदी अरब लेकर जा रहे थे उड़द चावल, जिसकी पायलट को आ गई खुशबू और पायलट ने उड़द चावल खाने के चक्कर में हवाई जहाज ना उड़ाने की दी धमकी, जिसके बाद मजबूरन बिजनौर के लड़कों को देना पड़ा उड़द चावल का डब्बा पायलट के हाथ में, जिसके बाद खा गया पायलट सारे उड़द चावल और फिर उड़ाया सऊदी अरब के लिए हवाई जहाज, जिसकी वीडियो हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर के रहने वाले कुछ लड़के सऊदी अरब में काम करते हैं, जिन्होंने एक व्लॉग चैनल स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर वह बिजनौर की भाषा का उपयोग करते हैं, जिस कारण उन लोगों की हर वीडियो वायरल हो जाती है और वह लोग लाखों रुपए कमाते हैं। कभी वे लोग सऊदी अरब में मछली पकड़कर दिखा देते हैं, तो कभी बिजनौर के उड़द चावल पर स्क्रिप्ट लिखकर वीडियो बना देते हैं। ऐसे ही इन लड़कों की एक वीडियो आसमान छू रही है, जिसके अंदर इन लड़कों ने बिजनौर के उड़द चावल का नाम ले दिया और पायलट के ऊपर एक कहानी बना दी कि सऊदी अरब अपने दोस्त के लिए उड़द चावल लेकर आ रहे थे और प्लेन में उड़द चावल की खुशबू पायलट को आ गई और पायलट ने कहा, ये उड़द चावल मुझे खाने हैं वरना मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा। और बिजनौर के लड़कों ने पायलट को उड़द चावल का डब्बा दे दिया और जिसके लिए सऊदी अरब में उड़द चावल ले जा रहे थे, वे लड़का नाराज हो गया। देखिए पूरी खबर, बिजनौर के इन लड़कों की ये आसमान छूने वाली वीडियो। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें, और इन लड़कों के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जुनैद आ गया है छुट्टी काट के इंडिया से, माशाल्लाह सामान बहुत लाया, अभी खोल लिया। ओहो मिठाइयां ही मिठाइयां। अब क्या क्या लाया जुनैद? ये घर वालों ने गोंद बना के दिया है। अच्छा, इसमें सब कुछ रहता है, फ्रूट वगैरह। हाँ, और ये घर का मावा है। अच्छा, और काजू कतली भी लाया मैं। अच्छा, काजू कतली दिखाना उठा के, माशाल्लाह ये बहुत महंगी होती है इंडिया में, 800 रुपए किलो। उस डब्बे में क्या है? उसमें बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू। अच्छा एक बात बता, ये काला प्रधान ये मुंह लटका के क्यों बैठा है? भाईयो काला प्रधान मुंह लटका उसलिए बैठा, इसने बोला था इनमें से उड़द चावल बना के ला दियो। अच्छा, तो उड़द चावल तो मैं ले आया था इसके। अच्छा, जैसे उड़द चावल लेके जहाज में चढ़ा, हाँ, तो भाई खुशबू महक पड़ी। अच्छा, चार आदमी मेरे धोरा आ गए। अच्छा, वो सब कहने लगे भाई ये खुशबू कहाँ से आ रही। अच्छा, तो अच्छा जहाज में खुशबू महक उड़द चावल होगी। हाँ, अच्छा, तो मैं बोला भाई मैं बिजनौर के उड़द चावल लेकर आया। अच्छा, तो मेरी पायलट ने सुन ली। अच्छा, पायलट बोलना चौथा जहाज जब उड़ाऊंगा जब उड़द चावल खुलागा। अच्छा भाई, मुझे खोलना पड़ा। अच्छा भाई, खत्म हो गए, मुझे गाली दे रहा हमारे यहाँ बचा। तो भैया ओ, तो भैया दोबारा कोई आएगा यार, मंगा लियो यार। वो 10 साल हो गए इंतजार करते करते, पर मैं खुद उड़द चावल का जैसा हो गया। कोई आवेगा यार भैया, 10 साल से इंतजार कर रहा मैं। ओ भैया यार, तू भी यार थोड़ा सा पछा लेता यार। ला दूं अगली बार।